नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गढ़वाल रैंडम व्यू में। आज हम बात करने वाले हैं आपसे गालवन घाटी में घटी घटना से संबंधित कुछ अन्य जानकारी के बारे में। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे करके ये सब घटना घटी और हमारे देश के सैनिक महाप्रदेश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। आज हम आपको बताएंगे कि ये कोई घटना नहीं थी, ये एक प्री प्लान की गई एक साजिश थी। वहाँ पर चीनी सैनिक घात लगाए बैठे थे, उन्होंने धोखे से भारतीय सैनिक पर हमला किया था। जब हम लोग घरों में आराम कर रहे थे उस वक्त हमारे देश के सिपाही सीमा पर पहरा दे रहे थे और गालवन घाटी में घटी घटना की साजिश श्री जिनपिंग द्वारा रची गई थी। आज हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी। वहाँ पर नहीं गोलियाँ चली और न ही कोई बंदूक, लेकिन उसके बाद भी गालवन घाटी में हमारे वीर सैनिक शहीद हुए। आपको बता दें कि लद्दाख में घटी ये घटना कोई आम घटना नहीं थी, यह एक प्री प्लांट साजिश थी। चीन धोखा और मक्कारी के लिए जाना जाता है, वो ये आज नहीं कई बरसों से करता आ रहा है। इसी तरह के धोखे चीन ने 1962 में की थी, 1969 में नाथुला में की थी और 1975 में डोकलाम में की थी और आज 45 साल बाद LSC पर करी। इस घटना के बाद पूरे देश का खून खौल उठा है। 15 जून की सुबह दोनों देशों के कमांडरों की बैठक हुई थी और इस बैठक में दोनों देशों ने पीछे हटने की अपनी सहमति जाहिर करी थी, लेकिन शाम को जब भारतीय सेना का दल पॉइंट 14 पर पेट्रोलिंग करने पहुंचा तो उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक पीछे हटने की जगह वहां पर अपना टेंट लगा रहे थे। हालांकि भारतीय सेना 1 किलोमीटर तक पीछे हट चुकी थी, लेकिन चीनी फौज ने पॉइंट नंबर 14 में अपने तंबू गाड़ रखे थे। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के टेंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उस समय वहाँ पर भारत के 60 जवान मौजूद थे, जिसको चीनी सैनिकों ने पहले ही अपने थर्मल इमेजिन कैमरा से डिटेक्ट कर लिया था। और आपको बता दें वहाँ पर चीन के 200 से ज़्यादा सैनिक मौजूद थे और भारतीय सैनिकों से 4 गुना ज़्यादा तादाद में थे। चीनी सैनिक पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और भारतीय सैनिकों पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड पत्थरों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में हमारे कई सैनिक शहीद हो गए थे और इस अचानक हमले से भारतीय सैनिकों ने उनके ही लाठी डंडे छीनकर उन पर वार करना शुरू कर दिया और हमारे भारतीय सिपाहियों ने अपनी वीरता दिखाते हुए कई चीनी सैनिकों को भी सबक सिखाया। ये झड़प देर रात तक चली और इस झड़प में कई सैनिक गालवन घाटी की शोक नदी में भी गिर गए और वीर गति को प्राप्त हुए। और इस घटना के बाद भारतीय ड्रोन से और हेलीकॉप्टर से उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उस गालवन घाटी में तापमान 0 से भी नीचे था और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, मतलब ऐसी जगह पर लगी चोट बहुत दर्दनाक और असहनीय होती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे सैनिकों के साथ, उनके शरीर में आई चोटों ने उनकी जान ले ली। इस घटना में कंपनी कमांडर संतोष बाबू और कई सैनिक शहीद हो गए। ऐसा नहीं है कि चीन के सैनिक बच गए होंगे, चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक घायल हैं या तो मारे जा चुके हैं और इसकी पुष्टि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी कर चुका है। और इस घटना पर अमेरिका ने भी अपनी रिपोर्ट दर्ज की है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वहाँ पर चीन के 35 सैनिक मारे गए हैं, जिसमें उनका एक सीनियर अधिकारी भी शामिल है। 1975 के बाद ऐसा क्या हुआ जो वहाँ पर ऐसी खतरनाक खूनी झड़प हुई? आपको बता दें कि ये झड़प अचानक हुई मुठभेड़ नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। आपको पता होगा कि कोरोना के बाद से चीनी सामान के बायकॉट की मुहिम शुरू हो चुकी है और चीन इस तरह की गतिविधि करके चाहता है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा खर्च अपनी सेना पर करे और उनका ध्यान अपनी मार्केट से हट जाए, जिससे भारत में चल रही बायकॉट नीति पर पानी फिर जाएगा और चीनी दोबारा भारतीय बाजार में पकड़ बना सकेंगे। चीन भारत को आर्थिक चोट पहुँचाना चाहता है। भारत का मार्केट चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यही वो मार्केट है जिससे चीन मिलियन डॉलर कमाता है और फिर उन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है और अपने सैनिकों पर करता है। लेकिन अब भारत में चल रही बायकॉट नीति से चीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं, भारत अब LSC पर सड़क का कार्य भी कर रहा है और उस कार्य को और भी तेज़ी से किया जा रहा है, जो दुर्मुख से होकर दौलत बेग तक जाएगा। 330 किलोमीटर तक की सड़क पर चीन कई बार ऐतराज़ जता चुका है और इसके साथ ही चीन गालवन घाटी पर भी अपना हक जता चुका है। लेकिन भारत ने अपने साफ शब्द में बोल दिया है कि न सड़क निर्माण रुकेगा और न ही चीन को अपनी सीमा पर घुसने दिया जाएगा। 15 जून की घटना के बाद चीन ये तो सीख ही गया होगा कि कैसे 60 भारतीयों ने 200 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। इसके बाद भारत सरकार ने सैनिकों को फ्री हैंड दे दिया और भारत की सेना से कहा है कि अपनी धरती को बचाने के लिए सेना को जो सही लगे वैसा ही कर सकती है, इसके लिए उनको किसी से भी मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
इसके बाद ही भारतीयों ने चीनी सामान का विरोध करना शुरू कर दिया है। लोग जगह जगह चीनी सामान को जलाकर और तोड़कर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। जब किसी देश की जनता किसी एक देश के खिलाफ खड़ी हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि उस देश का क्या होगा। इस खबर को जितना हो उतना फैलाइए और शेयर करें हर किसी के साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।